नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के तीन बड़े अपडेट को लेकर, यानी कि तीन बड़ी खबरें आई हैं बैंकिंग सेक्टर से। तो उन खबरों का बैंकिंग स्टॉक पे क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले कुछ समय में, इन्हीं सब बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से करेंगे चर्चा। सबसे पहले साहब, आज एक बड़ा अपडेट आया था आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने कहा था कि अगर हम जो अनमर्ज बैंक है उनको मर्ज करते हैं तो दिक्कत परेशानी या ज्यादा हो सकती है, यानी कि उसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है। ये बातें आखिर आरबीआई ने क्यों कही? देखिए बगल में जो ग्राफ लगा उसमें आपको इंग्लिश में सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आप चाहेंगे कमेंट्स मेरे पास ज्यादा आएंगे तो कल सैटरडे है, मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। अमूमन मैं इसकी जो न्यूज है हिंदी और इंग्लिश में मैं टेलीग्राम चैनल पर लगा चुका हूं, आप जाके देखिए। सबसे पहला अपडेट यही है कि आरबीआई ने मर्जर को लेकर दिया है बड़ा बयान। आरबीआई का कहना है कि अगर अनमर्ज बैंक को मर्ज कर दे तो दिक्कत परेशानी हो सकती है, ये ज्यादा रिस्क रह सकता है। ऐसी शंका आखिर आरबीआई ने क्यों जाहिर करी? देखो दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि हर चीज को समझना और जानना पड़ता है। आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक स्ट्रेस लेवल बना रखा है एनपीए को लेकर आरबीआई ने। उस स्ट्रेस लेवल पे अगर इन सब बैंकों को मर्ज कर दिया जाता है तो वो स्ट्रेस लेवल पार हो जाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि साहब आनंद फानंद में वीडियो बना दी जाए, बहुत चीजें समझ के जान के ही दोस्तों वीडियो बनाई जाती है। और इसीलिए मैं वीडियो बनाने से पहले सब कुछ उसकी पूरी डिटेल अपने टेलीग्राम चैनल पर लगा देता हूं कि स्ट्रेस लेवल क्या होता है, किस लेवल तक साहब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। अगर एनपीए उस लेवल तक रहता है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, उसके ऊपर जाएगा तो थोड़ी दिक्कत होती है, और अगर उससे भी ऊपर निकल जाए तो और ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है। इन सब स्ट्रेस लेवल के बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ किया है डिस्कस। अगर आपके कमेंट्स मैसेज ज्यादा आते हैं इस अपडेट के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली कल सैटरडे है मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखो दोस्तों, इस पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। आरबीआई ने कहा है कि अगर अनमर्ज बैंकों का मर्ज कर दिया जाए तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इस खबर के दो महीने निकलते हैं, या तो सरकार के पास कोई बड़ा प्लान है साहब जो अनमर्ज बैंक हैं उनको लेकर, ये मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं। अगर सरकार या आरबीआई इस तरह का बयान जारी कर रहा है तो डेफिनेटली सरकार के पास जिन जो बैंकों का मर्ज नहीं हुआ उनके लिए बहुत बड़ा प्लान है। दूसरी चीज, अगर साहब सरकार इस तरह के बयान नहीं देगी तो प्राइवेटाइजेशन की न्यूज जो आ रही थी उन पे तो एक तरह से विराम लग ही चुका है दो महीने के लिए, क्योंकि जो अगला बिल है वो सब बजट सत्र की बातें हो रही हैं कि बजट सत्र में आएगा बैंकिंग संशोधन बिल। लेकिन जब तक कुछ ना कुछ खबरें जरूर आएंगी, तो ये खबर उसको भी मैं जोड़ के देख रहा हूं, खबरें कुछ ना कुछ लगातार आएंगी। और मैं आपसे कह रहा हूं कि खबरों का दौर साहब बहुत तेजी से होगा। अब आरबीआई ने जो ये कहा है इसको भी मैं प्राइवेटाइजेशन के रूप में जोड़ के देख रहा हूं। तो सरकार के पास कुछ ना कुछ डेफिनेटली बड़ा प्लान है जो बैंक अभी मर्ज नहीं हुए हैं। आरबीआई ने बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कह दिया है कि अगर इन बैंकों को मर्ज करते हैं तो डेफिनेटली एक दिक्कत परेशानी हो सकती है। बाकी आप अगर कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली मैं इन पर एक वीडियो, डिटेल वीडियो पूरी जरूर बनाऊंगा कि स्ट्रेस लेवल क्या होता है, सीटीआर वगैरह क्या होते हैं, ये सब कुछ आप मेरे उस वीडियो में, जो अगर कमेंट्स ज्यादा आए तो डेफिनेटली मैं कल बनाने की कोशिश करूंगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी रिगार्डिंग इस अपडेट के। तो ये एक अपडेट था और ये एक बहुत बड़ा अपडेट है साहब जो अनमर्ज बैंक है। और जानते ही हैं आप कि अनमर्ज बैंक में मेरी जो पहली पिक बीओआई वगैरह जो मैं आपको दिला रहा हूं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वो मैं इसीलिए आपको बाय करवा रहा हूं कि कुछ ना कुछ सरकार के पास इन बैंकों के लिए जरूर बड़ा है जो अभी मर्ज नहीं हुए है। तो एक बड़ा अपडेट था और ये अपडेट मुझे यहां बताना जरूर था। बाकी आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, जैसे भी कमेंट्स आएंगे कोई चीजें अगर समझ में नहीं आती है सबसे पहले टेलीग्राम पे जाइए, वहां चीजें समझ में नहीं आई तो शाम को 7:30 से 8:30 मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़िए। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो, खूब सारे कमेंट्स आ गए तो कल सैटरडे है छुट्टी है तो डेफिनेटली इस पर एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए मैं जरूर लाऊंगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि इसकी कोई आवश्यकता होगी, यह आरबीआई की एक रिपोर्ट में ही बताया गया है कि अगर इन सब बैंकों का मर्ज कर दिया जाता है आने वाले समय में जो अनमर्ज बैंक है तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा एनपीए का। तो ये एक अपडेट था। सेकेंड अपडेट जानते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि एक बड़ा अपडेट निकल के और सामने आ रहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आईडीएफसी का विलय हो रहा है। आईडीएफसी और आईडीएफसी फाइनेंस होल्डिंग कंपनी का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में विलय हो रहा है। मैंने इसके बारे में आपको व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में कल रात को ही बताया था जब मार्केट बंद होने के बाद
जिसकी खबर साहब सामने आई थी। मैंने आपसे कहा था कि किन शेयर होल्डर को इसमें फायदा होगा। डेफिनेटली अगर आप देखिए कि आईडीएफसी और आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में विलय होता है तो डेफिनेटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बहुत बड़ा बैंक निकल के सामने आएगा। अब वो अनुपात क्या है, वो रेशियो क्या है, किस हिसाब से आप लोगों को शेयर मिलेंगे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आईडीएफसी और आईडीएफसी फाइनेंस होल्डिंग कंपनी का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मिले होता है तो डेफिनेटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत बड़ी मार्केट कैप के साथ साफ एक अच्छा प्लेयर हो सकता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, और अच्छी साफ इसमें ग्रोथ आप देखने को मिलेगी इसके शेयर कैपिटल में, क्योंकि मर्जर के अलावा और कोई विकल्प ही नजर नहीं आ रहा। और इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मर्जर को ही सरकार प्राथमिकता देगी। लेकिन अभी ये जो मर्जर हुआ है इसमें साफ बोर्ड ने ही फैसला लिया है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज अभी बोर्ड को करनी है पूरी, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है, साल कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उन सबको फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद ही ये एक साफ मान्यता लेगा। यानी कि ये मर्जर मान्यता रूप मान्य, यानी कि इसको जब ही माना जाएगा जब सबकी अनुमति मिल जाएगी, शेयर होल्डर हो, क्रेडिटर हो, और सब लीगल जो भी चीज हो, जो रेगुलेशन बना रखे हैं आरबीआई ने, बहुत सारी चीजें होती हैं अभी, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ बोर्ड ने ही अप्रूवल किया है, बहुत सारी कमेटी भी बनाई है, बल्कि आईडीएफसी ने कहा कि हमने एक कमेटी भी बनाई है जो साहब इसकी वैल्यूएशन वगैरह को आंकेगी। तो बहुत सारी चीजें अभी दोस्तों पेंडिंग है, जैसी जैसी खबरें आएंगी वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो ये एक सेकेंड अपडेट था, मैंने बता दिया कि शेयर होल्डिंग शेयर होल्डर जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के या आईडीएफसी के, उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि जब आप जानते हैं कि ये जो दो कंपनियां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो दो कंपनियां विलय हो रही हैं आईडीएफसी और आईडीएफसी फाइनेंस होल्डिंग, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बैंक बनेगा, मार्केट कैप भी बड़ी होगी, सब बिजनेस भी एक्सपेंशन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी दोस्तों। अगर इसके बारे में भी कोई मैसेज वगैरह कमेंट्स वगैरह बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो डेफिनेटली उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाने की सोचूंगा। वैसे मुझे आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है, और साहब शाम को आपके साथ व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे अगर आपका कोई मैसेज आता है। तीसरा अपडेट है साहब एमएसएमई को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एमएसएमई क्या होता है ये चीजें मैंने आपको बता रखी है, छोटे उद्यम जो छोटे कारोबारी हैं उनको एमएसएमई बोला जाता है। इसमें आरबीआई ने स्पष्ट रूप से चिंता जाहिर की है कि आने वाले कुछ समय में जो एमएसएमई का एनपीए है ग्राफ है वो बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो 2021 में 6 के आसपास था वो 2022 में 8.1 के आसपास पहुंच सकता है, तो ये चिंता का विषय है और इसका आप असर भी देख रहे होंगे। आरबीएल को दिक्कत परेशानी क्यों हो रही है, आरबीएल का जो शेयर है वो डाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने जो रिटेल के लोन दे रखे हैं वो ज्यादा है, उसकी जो लोन बुक है वो रिटेल में ज्यादा है, इसलिए साहब आरबीएल को दिक्कत परेशानी ज्यादा हो रही है। तो ये एक तीन अपडेट थे, बाकी इसकी डिटेल वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं, मेरे से बनवाना चाहते हैं, कमेंट्स खूब सारे आ गए, तो डेफिनेटली कल सैटरडे है, कल इन तीनों पर एक विस्तृत वीडियो, मैं एक लंबी वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की, मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।